शहर के बड़े अस्पतालों में बच्चों के अगवा की वारदातें ना रुक सकीं। जिना अस्पताल से नामालूम खातून बच्चा अगवा करके फरार, लवाहिकीन का एहतजाज। अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ नारे, थाना गार्डन टाउन में मुकदमा दर्ज। सीसीटीवी कैमरों की मदद से तहकीकात शुरू, एमएस ने भी 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। शहबाज शरीफ दौर का एक और कारनामा बेनकाब, खजाने को अरबों का नुकसान। गैर कानूनी तौर पर 35 अरब 70 करोड़ रुपए कमर्शियल बैंकों में रखे जाने का इंकशाफ। तमाम फंड्स मुख्तलिफ बैंकों में 1200 से जायद अकाउंट खोलकर मुंतकिल किए गए। फंड्स कहां इस्तेमाल हुए, महकमा खजाना ने मामला छुपाने की कोशिशें शुरू कर दी। सानेह पुलरवान बरकी का ड्रॉप सीन, 9 में से 5 अहम मुलजिमान ने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। लाटिया ग्रुप के सरगना इफ्तखार लाटिया ने 4 साथियों समेत गिरफ्तारी दी। मुलजिमान में वकार अली, कद्दीर हुसैन, जुल्फिकार उर्फ सोनी और अशरफ उर्फ बूगा शामिल। इस मौका पर डीएसपी मलिक दादू और नजर अब्बास भी मौजूद थे। दीगर 4 मुलजिमान ताहाल फरार। मरकजी मुलजिम इफ्तखार लाटिया ने कबल अज गिरफ्तारी जमानत करवा ली। पुलिस ने मुलजिम को शामिल तफ्तीश कर लिया। मुलजिमान ने 7 अगस्त को 3 भाइयों समेत 5 अफराद को कत्ल किया। कत्ल की वारदात के बाद मौका से फरार हो गए थे। नए पाकिस्तान के साथ नए पंजाब की भी तैयारी शुरू। गवर्नर रफीक रजवाना ने 15 अगस्त को पंजाब असेंबली के इजलास की मंजूरी दे दी। इजलास में 9 मुंतखब अरकान असेंबली हल्फ उठाएंगे। इजलास की समरी निगरान सूबाई वजीर कानून ने गवर्नर को इरसाल की थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अगली लाइन ऑफ एक्शन तैयार कर ली। मॉडल टाउन में दोनों जमातों के अहम रहनुमाओं की मुलाकात। पंजाब में वजीर आला, स्पीकर, डेप्टी स्पीकर के नामों पर गौर। मरकज और सूबे में मुश्तरका उम्मीदवार लाने और मिलकर चलने का आज़्म। पंजाब असेंबली के इजलास में अपनी तैयारियां सामने लाएंगे राणा तनवीर हुसैन। इमरान खान मियांवाली की नशिस्त पास रखेंगे, बाकी 4 छोड़ देंगे। वज़ीर आला पंजाब के नाम का फैसला 1 से 2 रोज़ में हो जाएगा। इमरान की तकरीब हल्फबरदारी में शहबाज और बिलावल को दावत दी जाएगी। तर्जुमान पीटीआई फवाद चौधरी। मियांवाली की नशिस्त रखने पर कप्तान का नया इम्तिहान। NA 131, नशिस्त 1, उम्मीदवार 2। हुमायूं अख्तर के बाद वलीद इकबाल भी इंतखाबी मुहिम के लिए मैदान में आ गए। वलीद इकबाल का इंतखाबी मुहिम का आगाज, जश्न की तकरीब से तैयारी शुरू करने का ऐलान। कहते हैं चोरों और लुटेरों को एक बार फिर शिकस्त देंगे। कप्तान में क्रिकेट में इस्लाहात पर भी निगाह डाल दी। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बड़ा फैसला, PSL को नई इंतजामिया के तहत नए अंदाज में चलाया जाएगा। इंतजामिया के आला अफसरान को फौरी तब्दील किया जाएगा। बासलाहियत खिलाड़ियों को यकसा मौके दिए जाएंगे। PSL किसी फर्द की नहीं, पाकिस्तान की लीग है। इमरान खान। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गैलानी से तमाम सिक्योरिटी वापस ले ली गई। यूसुफ रजा गैलानी को साबिक वजीर आजम की हैसियत से सिक्योरिटी दी गई थी। गैलानी फैमिली का सिक्योरिटी वापस लेने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का मामला, 6 चेयरमैनों 8 वाइस चेयरमैनों समेत 14 मुलजिमान की दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। बिजनेस
टेररिस्ट आइकॉन मियां मंशा भी नैब के रिडार पर। 95 मिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात, नैब ने मियां मंशा को 17 अगस्त को तलब कर लिया। नैब की 3 रुकनी टीम मियां मंशा से तहकीकात करेगी। मियां मंशा ने बरतानिया में होटल खरीदा, MCB बैंक, आदम जी इंश्योरेंस से मुतालिक भी तहकीकात होंगी, जराए का दावा। महकमा सेहत की नाअहली का एक और मुंह बोलता सबूत, नशे के आदि अफराद के इलाज के लिए हस्पताल 6 साल बाद भी फाल न हो सका। 100 बेड्स के हस्पताल में डॉक्टर्स और अमले की भर्ती नामुकम्मल, इंसदाद मनशियात कमेटी का रवां साल भी कोई इजलास न हो सका। पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग की नाअहली में अस्पताल मुर्दा खाने में लावारिस लाशों की तादाद 17 हो गई। पोस्टमार्टम न होने के बायस मुर्दा खानों में तआफ़ुन फैलने लगा। बड़ी से कबल चोरों और डाकुओं की ईदी मुहिम, शादबाग में ताला तोड़ ग्रुप जनरल स्टोर का सफाया कर गया। वारदात की CCTV फुटेज लाहौर न्यूज पर। टाउनशिप में दिन दिहाड़े जनरल स्टोर पर वारदात, लूटमार। मांगा मंडी में घर में नकबजनी की वारदात, चोर 9 तोले जेवरात और नकदी लूट कर फरार। घरों में काम करने के बहाने वारदातें करने वाली 3 खवातीन भी गिरफ्तार। कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश, भांप भांप के जानवर तवज्जो का मरकज। कीमतें ज्यादा होने के बाद शाहपुर कांजरा मंडी में गाहक कम। तीन रोज काबिल PIA की तैयारे से परिंदा टकराने का मामला, कराची से नया इंजन लाहौर पहुंच गया। माहिर इंजीनियर्स तैयारे का इंजन तब्दील करने में मसरूफ। हादसे से PIA को करोड़ों रुपए का नुकसान। पंजाब इमरजेंसी सर्विस में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब, रेस्क्यू कैडेट्स के दरमियान मिली नगमों के मुकाबले, DG रेस्क्यू ने केक काटा। वाहगा बॉर्डर पर यौम आज़ादी की शानदार तकरीब की तैयारियां जारी, रेंजर्स की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। यौम आज़ादी पर हुल्लड़बाजी, वन विलिंग और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ बैंड ऑपरेशन का फैसला, पुलिस का यौम आज़ादी पर सिक्योरिटी प्लान तैयार। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर, अलहमरा में जश्न आज़ादी के हवाले से रोशन पाकिस्तान की तकरीब, बैंड की शानदार परफॉर्मेंस ने दिल जीत लिए। बच्चों समेत शुराका का वतन से मोहब्बत का इजहार। लेडी एचिसन अस्पताल में भी यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीब, परचम कुशाई। गवर्नमेंट कॉलेज ट्रेनिंग फॉर द टीचिंग ऑफ डेफ में भी तकरीब, स्पेशल बच्चों ने रौनकें लगा दी। जश्न आज़ादी पंजाब नेशनल जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप का फाइनल, अंडर 19 में उजैर रशीद ने टाइटल अपने नाम कर लिया। अंडर 17 के फाइनल में उजैर शौकत ने मैदान मारा। होनहार तलबा के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म, एक्सपो सेंटर में सुपीरियर इंटरप्रेन्योरल एक्सपो का आगाज। तलबा और तालिबात ने 200 से ज्यादा स्टॉल लगाए, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन समेत दीगर ममालिक के कारोबारी शख्सियात की शिरकत। और दिलकश रूसी पहनावे, ज्वेलरी, जहेज का सामान, एक्सपो सेंटर में सज गया वेडिंग शो। बनाओ सिंगार के नित नए खूबसूरत अंदाज, फैशन की दिलदादा खवातीन को लुभाने लगे।